आपके साउथ अफ्रीका के किस्से सुनकर साउथ अफ्रीका घूमने जाने का मन कर रहा है। घूमने क्यों? वहाँ पे सेटल होने आ जाना। वहाँ पे मेरा इतना बड़ा डायमंड का बिजनेस है, वो संभाल लेना। मेरे ना कोई आगे ना पीछे, जो भी कुछ है वो सब तुम्हारा ही है ना? आपका आइडिया तो अच्छा है। जरा सोचिए, अफ्रीका के यमलोक में अलग अलग देश के अलग अलग प्रतिनिधि होंगे, तो वो लोग आपको नीचे नहीं आने देंगे ना मुझसे मिलने के लिए। तो मैं ना चित्रगुप्त जी के पास जाकर उन्हें उल्लू बनाकर कोई उपाय लेकर आती हूँ, ठीक है? जल्दी जाइए। अब भी गई। झिंगल लाला हो, हाँ, झिंगल लाला हो, झिंगल लाला हो, झिंगल लाला हो, हाँ। दादी सास, ये क्या कर रही हो? अफ्रीकन गरबा कर रही हूँ। खट्टी बात, एकदम खट्टी बात। आप ऐसे सर पर अंगूर लगाकर मेरी मासी की नकल कर रही हो? ए, नकल वकल नहीं कर रही हूँ, ये तो अकल ठिकाने लाने वाली अंगूरी दवाई है। डन डन। क्या डन डन है दादी सास? अब भी नहीं समझी? बेबली, ये ना जादुई अंगूर है जो मैं चित्रगुप्त जी के पास से लेकर आई हूँ। ये जाकर ना तेरी मासी को खिला दे। जैसे उसे खिलाएगी ना, हुम्बा हुम्बा हुम, हुम्बा हुम्बा हुम, हुम्बा हुम्बा हुम करते करते अफ्रीका के लोग आएंगे और तेरी मासी को ना उठा कर ले जाएंगे। हाँ ठीक है, दीजिए। थैंक यू। ए, सीधी सीधी क्या जा रही है? इसका असर तभी होगा जब तू भी ना ऐसे अफ्रीकन गरबा करेगी। जिंगल लाला हो, जिंगल लाला हो, जिंगल लाला हो, हा, जिंगल लाला हो, जिंगल लाला। जोकरिंग, जोकरिंग, किट्टा, जा भी। आंटी, मैंने अफ्रीका के बारे में सारी जानकारियां इकट्ठा कर ली है, अब मैं साउथ अफ्रीका का चप्पा चप्पा जानता हूँ। चलंबा। देखिए सागर जी, एक बार फिर से सोच लीजिए। एक बार करके 500 बार सोच लिया। वही तो। अब और क्या सोचना? हाँ मही, बिल्कुल नहीं। अब सागर अफ्रीका जाएगा। Yes. वहाँ पे मेरा डायमंड्स का बिजनेस संभालेगा। Wow. यहाँ पे चाइनीज प्रोडक्ट्स बेचता है, वहाँ पे डायमंड्स बेचेगा, जौहरी बन जाएगा। आंटी, मैं आज ही वीजा के लिए अप्लाई कर देता हूँ। ये बात, अहमदाबाद, दिल्ली, मुंबई, सब है पानी कम। I love Africa. I love Africa. Stupid. खाने की चीजें हैट पर लगा के घूमती है। अरे आपने क्यों खाया अंगूर? क्यों? ये अंगूर तुम्हारे मैं कैसे आए हैं? मॉम को खाने दो ना। नहीं वो। और तुम कौन होते हो मुझे मुझे बताने वाली? और खाओगे? मत खाइए सासू मां, बस। आंटी कौन है ये लोग? ओलू बाबा, कुशु बाबा, खाखे ओखंबा, मुका मुका अफ्रीका बम्बा रुबा बम्बा। इनका कहना है इन्हें किसी रूहानी शक्ति ने ये संदेश दिया है, मतलब अनुसुईया को पार्सल करके साउथ अफ्रीका ले जाना है। What? नहीं,
जाना है। मस्त। ए मॉम का पार्सल कैसे करते हैं ये दिखाना हो मुझे। जुबाका। जुबाका। जिंगल लाला हो, जिंगल लाला हो। आप यहाँ खुश हो रहे हो? अरे मेरी सासू माँ की हालत देखिए, वो कितनी परेशान हो रही है। अरे तेरी जीवन भर की तकलीफ दूर हो रही है तो खुशी तो होगी ना। चल गरबा खेलते, इस बार गुजराती बस। ए हेलो। नहीं दादी सास। क्यों? आप जानती है ना इन्हें मैं माँ कहती हूँ, वो मेरी माँ है दादी सास। माँ का मतलब तो समझती है ना आप, पूरा ब्रह्मांड एक तरफ और माँ एक तरफ। अरे बेबली बेबली कितनी प्यारी है तू। तू चिंता मत कर, मैं चित्रगुप्त जी से ना इसका भी तोड़ लेकर आई हूँ। जो ये अंगूर आखिर में खाएगा जादू ना उसी पर परिवर्तित हो जाएगा। जा फटाफट ना तेरी मौसी को ये अंगूर खिला दे, तो ये अफ्रीका वाले ना जिंगल लाला हो करते करते तेरी मौसी को उठा कर ले जाएंगे। ठीक है? अच्छा ठीक है। जा 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 जल्दी से जा। कितनी प्यारी है। हे अम्बे माँ, बचपन में बहुत गोटियां खेली है, बस ये निशाना लगवा दीजिए, पूरे 21 नारियल का प्रसाद चढ़ाऊंगी प्लीज। तो अफ्रीका गई थी, तुझे कैसे पता? क्या उठ रही हूँ बाजू बाजू। एक्चुअली ये लोग मुझे लेने आए हैं। आप भी ऐसे फलों वाली टोकरी पहनना और अंगूर खाना और फिर बोलना वी 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 वी। ए अंबा, ए अंबा उंबा रतंबा, आओ आओ इसको ले जाओ उंबा। सागर, अरे अभी यहीं खड़े हो, जाओ जाओ इसकी मौसी के साथ, जाओ जाओ अफ्रीका जाओ।
मैं सिर्फ और सिर्फ आपके पास रहूंगा। आई लव यू मॉम। आई लव यू टू। दादी सास, आप तो महान हो। हुना डेंटेडन। मही मही बोलो बोलो बोलो। अब मही, कल रात मैंने तुम्हें एक हरे पुट्ठे वाली फाइल दी थी, कहा था संभाल के रखना। कहाँ है वो फाइल? अच्छा फाइल? हाँ फाइल बैग। फाइल बैग। मही जल्दी करो, मुझे लेट हो रहा है। फाइल बैग। फाइल बैग। मही जल्दी करो। कुछ 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 मिल गई। चलिए मही, क्या है? फाइल। मही, इस फाइल में मेरे इम्पोर्टेंट प्रेजेंटेशन की फोटोग्राफ्स थी। ये मुड़ कैसे गई? वो सागर जी, रात को बिजली चली गई थी ना, और पौना भैया को हाथ पंखा मिल नहीं रहा था, इसलिए मैंने उन्हें ये फाइल दे दी थी हवा खाने। क्या? मेरी इतनी इम्पोर्टेंट फाइल तुमने हवा खाने के लिए दी थी? सॉरी। और मही, हवा खाने से कोई फाइल ऐसे कैसे हो सकती है? सागर जी, पौना भैया बता रहे थे कि बिजली आ गई थी, लेकिन हम लोग सो रहे थे ना, तो वो फाइल लौटाने नहीं आए, और फिर उन्होंने अपने सर के नीचे फाइल रख दी और सो गए, तो वो सोने में थोड़ी फाइल ऐसे गुटर पुटर थोड़ी खराब हो गई है, इसलिए सागर जी, इसलिए फाइल एकदम सरस एकदम ऐसे पूठा जैसी सिद्धी हो जाए, उसके लिए मैंने ये गद्दे के नीचे भी रख दी थी कड़क होने के लिए उसको। अरे मही, पौना भाई तो अनपढ़ है, लेकिन तुम तो मही कभी तो दिमाग का इस्तेमाल किया करो, नहीं तो मुझसे पूछ लिया करो। क्या हाल कर दिया मेरी फाइल का? सागर बेटा, दिमाग का इस्तेमाल तो तुम्हें करना चाहिए, जो इतनी इम्पोर्टेंट फाइल क्वीन ऑफ वेराखड़ी के हाथों में दे दी। अब ऐसी कोई इम्पोर्टेंट फाइल हो ना तो मुझे देना, मैं इसे संभाल के रखूंगी। क्या है ना, मुझ में इतनी तो अकल है कि फाइल का इस्तेमाल हाथ पंखे की तरह नहीं करते। सागर, तुम्हें ऑफिस में जाने के लिए देरी हो रही होगी ना, चलो गो गो गो। Have a nice day. Bye, mom. Bye. क्या मने? इतना तो पढ़ लेती जिससे तुम्हें हाथ पंखे और फाइल के बीच का अंतर पता चलता। ना तो पढ़ी हो मैं सासु माँ। हाँ? इतनी तो पढ़ी हो। अच्छा जोक था और मजा भी बहुत आया। क्या है ना, पहाड़े बोल लेती हो, इसका मतलब ये नहीं हुआ कि तुम पढ़ी लिखी। चलो ठीक है, अगर तुम बोल ही रही हो कि तुम पढ़ी लिखी हो तो एक काम करते हैं। ये लो, किसी भी विषय, किसी भी तुम्हें जो विषय चाहिए उस पर एक ऐसे लिख के मुझे दिखाओ। सॉरी, ऐसे का मतलब नहीं समझ में आया होगा ना। निबंध, निबंध। हाँ, निबंध को इंग्लिश में ऐसे बोलते हैं। तो किसी भी विषय पर मुझे निबंध लिख के बताओ मुझे। लो, क्या सोच रही हो? सागर जी मुझसे नाराज होकर चले गए। सागर जी मुझसे नाराज होकर चले गए। छोड़ो, तुम्हारे बस की बात नहीं है। मही, तुम्हें पता है आदमी रेंगते रेंगते पहाड़ चढ़ जाता है आसान है, पर सोचना सोचना बहुत ही मुश्किल काम है, और मैं सोच रही हूँ। क्यों? क्यों? क्योंकि मेरे पास दिमाग है। वही, तुमने फाइल को हाथ पंखा समझा, बात बहुत छोटी सी है, अगर सीलिंग फैन समझ दी तो बात बड़ी हो जाती। भाभी, सागर जी मुझसे नाराज होकर गए, उनकी नाराजगी दूर कैसे करें उसके बारे में सोचिए ना। आती हूँ उसी बात पर आती हूँ। मही, जब रोहित मुझसे नाराज हो जाते हैं ना, तो
अंगूरों में हंस देती है। मसू मोटी वाचे भाभी, अब तो हर बात में हंसती रहती है, मस्त है मस्त है करके। ओहो मही, हमें खुद को नहीं हंसना है, उसके लिए तो मैंने आदमी रखे हैं, वो हंसते हैं। ओ माँ भाभी, तो वैसे भी मेरा दिमाग चकरा गया है। मेरा दिमाग आपके जितना तेज नहीं है पापा, आप थोड़े से सीधे सीधे बताइए आप क्या बोलना चाहते हैं। गोल गोल चकेड़ा मत घुमाइए ना पापा। बताती हूँ, ये देखो ये सब आदमी है जो मेरे लिए हंसते हैं। हाँ, तो एम बोला ने कि हंसने के लिए बाबले रखे हैं। वही, हमारे में इसे स्माइली कहते हैं। अच्छा, रोहित जब मुझसे नाराज होते हैं तो मैं उन्हें एक स्माइली भेजती हूँ, तो वो खुश होकर चार स्माइली भेज देते हैं। है? तुम भी सागर भैया को स्माइली भेज दो, वो भी चार स्माइली भेजेंगे। अच्छा, भाभी रोहित भैया आपको चार स्माइली भेजते हैं, तो सागर जी भी मुझे चार स्माइली भेजेंगे ना? हाँ, दोनों की रगों में एक ही खून बहता है ना। अभी खून खून एक होता है, लेकिन विचार तो अलग अलग होते हैं ना। हाँ, तो कोई बात नहीं, तुम ऐसा रखो चलेगा। अच्छा, तो मैं कौन सा ऐसे स्माइली भेजूं? ये वाला भेज दो। पक्का? हाँ हाँ एकदम पक्का, भेज दो। नहीं नहीं सर, आपकी फाइल रेडी है, आप आ जाइए। मनोज फाइल दो। क्या है? मैंने तुम्हें फाइल सीधी करने के लिए दी थी, ये जल कैसे गई? साहब आपने जोर देके कहा था कि फाइल सीधी होनी ही चाहिए, इसलिए मैं जोर देके स्त्री से फाइल सीधी कर रहा था, तभी। क्या तभी? एक से बढ़कर एक मुझे मिले। गनीमत है कि पेपर्स ठीक है, एक दूसरी फाइल लाओ, सारे पेपर्स को उसमें डालो। यार ध्यान कहाँ रहता तुम्हारा, पेपर जल गए होते तो। साहब मेरी बीवी, मेरी बीवी साहब। मनोज पानी पियो। क्या हुआ तुम्हारी बीवी को? मेरी बीवी मायके गई थी साहब। फिर क्या हुआ? मायके से वापस आ गई। मनोज मैंने कभी किसी को थप्पड़ मारा है? नहीं साहब, माँ की कसम। अगर आज मैं किसी को थप्पड़ मारूंगा तो वो मेरे स्वभाव के खिलाफ होगा ना। किसी को मतलब मेरी बात करें? हाँ साहब साहब साहब, मैं दूसरी फाइल में ये पेपर डाल के देता हूँ। देखो कोई गड़बड़ नहीं होना चाहिए। मनोज मैं बहुत गुस्से में हूँ। हाँ साहब। पागल कर दिए। वही का मैसेज क्या भेजा है इसने? स्माइली। क्या लिखा है? वाओ मही, मैंने तुम्हें कहा था ना चार स्माइली भेजे सागर भैया। मुझे पता था कि सागर जी। भाभी, सागर जी ने मुझे चार गुस्से वाले बाबले भेजे हैं जो। हाँ वो तो है, सागर भैया ने तो गुस्से वाले स्माइलीज भेजे हैं। कोई बात नहीं, मैं रोहित को कह दूंगी कि नेक्स्ट टाइम गुस्से वाले स्माइलीज भेजे, तो क्या दोनों का सेम टू सेम हो जाएगा? कुछ और सोचना पड़ेगा। अभी 20 मिनट पहले मैंने आपसे पूछा था कि ये आप क्या कर रही हो। वही हीरो हीरोइन से नाराज हो जाता है, फिर हीरोइन ऐसे ही पंखे के ऊपर फूलों की टोकरी बांध देती है, और जैसे ही हीरो कमरे में आता है सारे फूल उस पर गिरा देती है। सच्ची? हीरो हीरोइन खुश, नाराजगी गायब। अरे वाह, तो भाभी
मैं भी ऐसा करूं? हाँ। लेकिन भाभी ये टोकरी में से फूल गिरेंगे ना नीचे? गिरेंगे गिरेंगे सब गिरेंगे। मही तेरा पिया घर आया। जाओ जाओ जल्दी से दरवाजा खोल दो, मैं जाती हूँ। Yeah.